चलो टुडे वी विल स्टार्ट कंस्ट्रेंट मोशन. क्या पढ़ाएंगे? कंस्ट्रेंट मोशन. आओ भाई कंस्ट्रेंट मोशन के बारे में बातें करते हैं. कंस्ट्रेंट मोशन क्या है ना. फिर कंस्ट्रेंट मोशन के बाद अपन एनएलएम पढ़ेंगे. कंस्ट्रेंट मोशन, कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब कि भाई हम कंस्ट्रेंट होते हैं कई बार. मान लो कि हमें पता है कि हमें सुबह 7 बजे उठ के आना है, तो हम कंस्ट्रेंट है. हमारी क्लास है सुबह 7 बजे, वी आर कंस्ट्रेंट. ऐसे सिंपल कंस्ट्रेंट मोशन में क्या, जैसे अपन एक सिंपल सी बात समझते हैं कि मान लो ये एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक को अपने एक रस्सी से बांध दिया है, दूसरा ब्लॉक है ना. अब सोच के देखो कि ये 1 kg है या 2 kg है, जितने भी है, मैं कह रहा हूँ 1 kg या 2 kg. मैं बोलूँ कि इसकी रफ्तार, ये रस्सी से बंधा हुआ है, इसकी रफ्तार 2 मीटर/सेकंड है, बताओ 2 kg की रफ्तार क्या होगी. आप बोलोगे सर 2. क्यों बोला तुमने? तुमने कॉमन सेंस से बोला. आपने क्या करा? आपने बोला कि सर देखो इस पॉइंट की रफ्तार 2 है, तो इस रस्सी के इस पॉइंट की रफ्तार भी 2 है, तो इसकी 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 भी 2 है, और इसकी भी 2 है, और इसकी भी 2 है, और इसकी 2 है, तो इसकी भी 2 है. ये जो आपको कॉमन सेंस की बात लग रही थी, ये बेसिकली कंस्ट्रेंट है. ये बेसिकली क्या है? कंस्ट्रेंट. दिस इज कंस्ट्रेंट. इसे हम कंस्ट्रेंट कहते हैं कि अच्छा ये बंधा हुआ है, सिंपल. अच्छा इससे हमें क्या फायदा हुआ? ऐसे अगर अपन स्ट्रिंग में देखें, अगर अपन स्ट्रिंग के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें? स्ट्रिंग के बारे में. तो स्ट्रिंग में एक बात सत्य है. क्या समझे अच्छे से? स्ट्रिंग के बारे में सत्य है कि भाई अगर स्ट्रिंग नहीं टूटनी है, तो लॉजिकली सोचें कि इस स्ट्रिंग की, लॉजिकली सोचें इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट की रफ्तार और इस पॉइंट की रफ्तार इधर की तरफ या अलोंग द स्ट्रिंग क्या सेम होनी चाहिए? किसी भी 2 पॉइंट की रफ्तार स्ट्रिंग में अलोंग द स्ट्रिंग क्या सेम होनी चाहिए? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी. तो स्ट्रिंग टूट जाएगी. हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, स्ट्रिंग टूट जाएगी सर, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी. हाँ इसका मतलब हम कंस्ट्रेंट हैं कि हम स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट की अगर बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट्स. अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली हम कंस्ट्रेंट मोशन को 3 भागों में तोड़ेंगे. स्ट्रिंग के कंस्ट्रेंट के सवाल, एक पुली ब्लॉक सिस्टम के कंस्ट्रेंट के सवाल, और तीसरे तरह के हमारे सवाल आएंगे वेज कंस्ट्रेंट. कौन सा कंस्ट्रेंट? वेज कंस्ट्रेंट. खैर हम इसकी बात करते हैं. अगर हम स्ट्रिंग में बात करें तो हमने बोला कि पॉइंट ए और पॉइंट बी का वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए एंड वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी शुड बी सेम अलोंग द स्ट्रिंग. कैसे? अलोंग द स्ट्रिंग. बोलो क्लियर? ऐसा इसलिए होना जरूरी है क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी, आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी. बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल सही बोले आप. तो फिर इसमें सवाल कैसे बनते हैं? ये तो बहुत कॉमन सेंस की सवाल थी जो हम सब लोग जानते हैं, तो हमें तो अच्छे अच्छे सवाल करने. कैसे? देखें आए, मान लीजिए कि हम एग्जांपल बात करें, हमने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखा कि भाई अलोंग द स्ट्रिंग रफ्तार सेम होनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो आपकी स्ट्रिंग टूट जाएगी, जो हम चाहते नहीं हैं. हम जो भी स्ट्रिंग लेते हैं उन्हें अपन अभी जो चीजें पढ़ेंगे उसमें मासलेस लेंगे, और साथ ही साथ उन्हें हम इनएक्सटेंसिबल लेंगे. क्या लेंगे? इनएक्सटेंसिबल. इनएक्सटेंसिबल का मतलब होता है कि भाई आप उन्हें स्ट्रेच कर नहीं सकते. चलिए आइए, मान लीजिए मैं आपको एक सवाल बोलूं कि एक ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ है ए, वो एक पुली से पास कर रहा है. किससे पास कर रहा है? एक पुली से. और पुली से पास करके वो एक ब्लॉक दूसरे बी से बंधा हुआ है, और ये जो बी ब्लॉक है ये अपना बी ब्लॉक सपोज किसी सरफेस पे रखा हुआ है. क्लियर एकदम? किसी सरफेस पे रखा हुआ है. ऐसे मान लेते हैं कि एंगल 37 डिग्री है. कितना है? 37 डिग्री. चलिए भाई ठीक है, समझ आया. 53 ले लेते, वैसा दिख रहा है इसलिए. चलिए 53 लेते हैं. मान लो मैं आपको बोलूं कि ए की रफ्तार 5 मीटर/सेकंड है. कितनी है? 5 मीटर/सेकंड. अच्छा सर 5 मीटर/सेकंड है. फिर मैं आपसे पूछूं फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी. फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ बी. बी की रफ्तार बताओ भाई. अच्छा सर क्या करें क्या करें क्या करें? वही स्ट्रिंग वाला कंस्ट्रेंट. मैंने लॉजिकली सोचा ये 5 मीटर/सेकंड से आया, ये पॉइंट कितने से आया? 5. ये भी कितने से आया? 5. ये भी कितने से आया? 5. ये भी कितने से? 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 5. अगर आप इस बी को थोड़ा जूम करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो बी ब्लॉक है इसकी ये सरफेस है, और ये जो इसका पॉइंट है ये ऐसे 5 से जा रहा है कि नहीं है? बट इसके साथ जो ये ब्लॉक का पॉइंट अटैच्ड है, सोचो ब्लॉक किधर जा रहा है. असली में ब्लॉक हवा में जाएगा क्या? ब्लॉक हवा में नहीं जाएगा. क्या असली रफ्तार ब्लॉक बी की, ध्यान से देखें, क्या असली रफ्तार ब्लॉक बी की क्या इधर की तरफ रहेगी? मान लो वी, मान लो कितनी वी, जाहिर सी बात है हवा में तो नहीं जा रहा, वो तो ऐसे ही जा रहा है वी से. सोच के देखो तो बी की रफ्तार क्या असलियत में इधर होगी? हाँ भाई बिल्कुल होगी. तो हमने बोला ये 5 और ये हो गया वी, ये कितना हो गया? वी. तो ये 5 मीटर/सेकंड और ये वी. अच्छा अब क्या करें? सोचो ध्यान से, क्या ये पॉइंट वी से जा रहा है पर ये पॉइंट इससे अटैच्ड है, ये पॉइंट इससे अटैच्ड है. सोचो तो क्या वी का एक कंपोनेंट इधर होना चाहिए?
वी का वी पांच, पांच का कंपोनेंट वी है, वी का पांच है, सोच के देखो। इसका मतलब जो पॉइंट इसकी रफ्तार है उसी पॉइंट से ये भी जाना चाहिए इधर की तरफ, वरना स्ट्रिंग टूट जाएगी। ऐसा नहीं होना, इसका मतलब इस असली रफ्तार कौन है, वी की पांच, वी, क्योंकि ये पॉइंट जो है ये बी से अटैच्ड है, किससे अटैच्ड है, बी से, तो ये वी रफ्तार इधर जानी चाहिए, यानी कि वी का इधर कंपोनेंट, ध्यान देखो तो ये कितना है 37, कितना है 37, तो लिखना चाहिए वी कॉस 37 इक्वल्स टू 5, वी कॉस 37 इक्वल्स टू 5, यानी कि अपन लिख लिया कॉस 37 के लिए कितनी होती है 4/5, 5, यानी कि वी की वैल्यू है 25/4, 25/4, सिंपल कंस्ट्रेंट, ऐसे लिखा जाता है इसको। और देखो इधर देख, एक और सवाल एक और करते हैं आपको, बिल्कुल इसी तरीके आपको क्लैरिटी आएगी, देखो ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं कि इसी तरीके एक सवाल और करते हैं, मान लो कि ऐसे है, देखो आपको क्लैरिटी आ जाएगी, देखो मान लो कि ऐसे कोई कॉलर है अटका हुआ है ऐसे खुपच खुपच खुपच, देखो ऐसे ढंग से, ऐसे पुली से बंधा हुआ है, ये पुली ऐसे और ये ब्लॉक ऐसे लटका हुआ है, क्लियर। ये ए ब्लॉक मान लो, ये एक रॉड है जिसमें एक स्ट्रिंग फंसी हुई है, ठीक है, मान लेते हैं कि ए की रफ्तार 2 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 2 मीटर पर सेकंड, अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो अपन इसे 53 डिग्री लेते हैं, कितना लेते हैं 53 डिग्री, या 37 लेते हैं, चलो 37। आप इस सवाल को ट्राई करो, मैं हाथों हाथ बता रहा हूँ, अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो एक मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए, एक मिनट के लिए पॉज करो, ट्राई कर लो इसको, फिर सॉल्यूशन देखना जो मैं बता रहा हूँ। अब देखो सॉल्यूशन, ए 2 मीटर पर सेकंड, सोचो इसकी रफ्तार कितनी होगी, मान लो इसकी रफ्तार वी, क्या असलियत में इसकी रफ्तार इधर होगी। हमेशा असली रफ्तार ढूंढे, कौन सी रफ्तार ढूंढे, असली रफ्तार ढूंढे, असली रफ्तार आपने लिख ली वी इधर, अच्छा भाई वी असली रफ्तार इधर है, ये अपनी, ये तो अपनी पुली है जो फिक्स्ड है, ऐसे कंस्ट्रेंट है, ध्यान देखो ये दो 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 दो, तो असली रफ्तार वी है कि दो है, वी, क्या वी का एक कंपोनेंट दो इधर होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो स्ट्रिंग टूट जाएगी, यानी कि क्या लिखा गया, वी कॉस 37 इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वी इंटू 4/5, यानी कि वी की वैल्यू है 10/4। बोलो थोड़ा थोड़ा क्लियर हुआ, पक्का। एक और सवाल देता हूं, बिल्कुल अच्छा ढंग से करेंगे सब लोग मिलके, आओ। मान लो मैं आपको बोलूं कि भाई ऐसा सवाल, बिल्कुल ऐसे पुली ले लिया अपन ने, ऐसे पुली लटकी हुई है जैसे, देखो ऐसे ऐसे, देखो मान लो मैं आपको बोलूं कि ये एंगल 37 डिग्री है और ये एंगल 53 डिग्री है, मैं आपको बोलूं ये ब्लॉक ए है, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मैं आपसे बोलूं बताओ बी की रफ्तार क्या होगी, क्या अभी भी अपन स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, अपन कौन सा कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं, स्ट्रिंग का। चलो सब लोग अपनी स्क्रीन को पॉज कर लो 2 मिनट के लिए, कितने मिनट के लिए 2 मिनट के लिए, रोक के फिर सुने, अब सुने देखो, ये 5, ये कितना 5, ये 5 का मतलब क्या, इस 5 का इधर कंपोनेंट कितना है, इधर देखो देखो देखो, इस 5 का, ये जो 5 ऐसे है ध्यान से देखो, ये 5 ऐसे, इस 5 का इधर कंपोनेंट, ये 37, ये 37, इस 5 का इधर कंपोनेंट आएगा 4, मतलब ये स्ट्रिंग का ये पॉइंट 4 से खींच रहा है, कितने से खींच रहा है, कितने से खींच रहा है, 4 से, 4 4 4 4 4 4, क्या ये पॉइंट भी 4 से जा रहा है, ये रफ्तार वी मान लो, क्या वी कॉस 53 इज 4, अगर कंस्ट्रेंट मेंटेन करना है तो क्या लिखेंगे, वी कॉस 53 इज 4, v cos 53 is 4, तो v के लिए जो भी आई इंटू 3/5 इक्वल टू 4, तो v की वैल्यू आई 4/5 20/3 मीटर पर सेकेंड। ये जो 3-4 इलस्ट्रेशन मैंने आपको लिए, ये चारों इलस्ट्रेशन थे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे, किस पे थे, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पे। ऐसे कई वैरायटी के सवाल आपको और शीट और अपने मटेरियल में मिलेंगे, तो आप उस पर ध्यान दें, बाकी अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अपन सिंपल बात करें पुली ब्लॉक सिस्टम, कौन सा सिस्टम, पुली ब्लॉक सिस्टम, चलो भाई सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम जिसे हम एटवुड मशीन भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एटवुड मशीन, बहुत बढ़िया। चलो भाई सिंपल पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट देखो कैसे, भाई आओ विचार करते हैं, सब मिलके करते हैं, आओ इधर देख ध्यान से। मान लो हम सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में ध्यान दें, अगर हम सिंपल पुली ब्लॉक सिस्टम में ध्यान दें, हम जो सिंपल पुली जानते हैं उसमें तो कोई खास बात नहीं है, सब लोग बहुत अच्छे से उसको मानते हैं, कि मान लो ये पॉइंट ए, ये बी और अपनी स्प्रिंग और ये कंस्ट्रेंट, इसे हम एटवुड मशीन कहते हैं, क्या कहते हैं, एटवुड मशीन। मान लो ये 4 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो आप सब लोग बिना सोचे समझे क्या, आप बचपन से जानते हैं कि ये रफ्तार 4 मीटर पर सेकंड होगी, लॉजिक वही है, ये 4 4 4 4 4 4 4 4, क्या ये ऊपर 4, अगेन इट्स अ स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, बेसिकली पुली ब्लॉक कंस्ट्रेंट इज अगेन अ वर्जन फॉर एक्सटेंडेड वर्जन फॉर पुली ब्लॉक सिस्टम, वहीं से अपन उस रिलेशन को निकालेंगे। चलो ठीक, बहुत बढ़िया सा। अगर हम बहुत लॉजिकली सोचें, मान लो मैं एक सवाल लेता हूं, कैसा सवाल सुने, हमें बोला जाए कि पुली भी चल रही है 2 मीटर पर सेकंड से, हमें बोला जाए कि ये ए ब्लॉक नीचे जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, और हमें पूछा जाए बताओ बी की रफ्तार क्या होगी। अब
थोड़ा विचार वाली बात है, पर एक बात अभी तक भी तय है कि कुछ भी हो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज या कुछ भी हो, चाहे पुली चल कोई भी चल कुछ भी हो, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग चेंज नहीं होगी। बिल्कुल सही बोल रहे हो सर आप, बिल्कुल बढ़िया एकदम। अब क्या करें, अगर ये बात सच्चाई है तो कुछ मैथमेटिकल बात को देखें। ये वैल्यू मान लें x1, ये वैल्यू मान लें x2। अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो x1 plus x2 equals to constant. x1 plus x2 equals to constant. क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कभी भी चेंज नहीं हो रही। अगर आप ध्यान देखें तो dx1 by dt डिफरेंशिएट कर लिया, dx2 by dt equals to constant, यानी कि जीरो, ये कभी चेंज नहीं होता। अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो dx1 is the velocity of a with respect to pulley. dx1 by dt is the velocity of a with respect to pulley. Rate of change of x1. x1 कहां से दूरी है a की? a से। अच्छा ठीक भाई, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, मजा आया। और देख ध्यान से, अब मान लो कि मैं आपसे बोलूं अच्छा ये बात हो गई भाई, तो VAP dx1 by dt, ठीक। dx2 क्या चीज है? dx2 क्या चीज है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू p। हाँ सर बिल्कुल सही बात है, चमका एकदम, बहुत बढ़िया। यानी कि क्या लिखें, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू जीरो, यानी कि वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टाइम्स वेलोसिटी ऑफ माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली। बोलो सही है क्या एकदम? हाँ, यानी कि क्या लिखा गया, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। ये रिलेशन थोड़ा सा याद रह जाए तो कोई बुराई। ये तब लगाते हैं जब पुली मूव करती है, जब पुली मूव करती है। अब इसको याद रख लो, और ये सवाल को करने में तो कोई खास बात ही नहीं है। नीचे चार से जा रहा है, यानी कि ए की वेलोसिटी होगी चार, नीचे को नेगेटिव मान लेते हैं, माइनस चार प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू वेलोसिटी ऑफ पुली दो, वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आई देखो ध्यान से, टू टू जा फोर, वेलोसिटी ऑफ बी आई माइनस एट, कितना सही लिख रहे हैं क्या? सही लिख रहे हैं क्या? चलो भाई ध्यान से देख लो एक बार, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन? हाँ भाई ठीक है, अपन ने ऊपर पुली को ले जा रहे थे 2 मीटर पर सेकंड से, और इसको कितने से ले जा रहे हैं? 4 से। तो अपना आंसर आ गया, जो भी अपने को लिखना था वो अपन लिख लिया। वेलोसिटी ऑफ ए, ए को अपन ने माइनस 4 माना, इसको अपन ने वेलोसिटी ऑफ बी, और इसको अपन ने 2, और इसको अपन ने 2, और ऐसे बेसिकली फॉर्म लाया, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। बेसिकली आप बहुत ध्यान से सोचो तो आपने करा क्या, आप अगर चीटा बन के स्ट्रिंग पे बैठ जाओ, अगर आप चीटा बन के पुली पे बैठ जाओ, देखना गड़बड़ नहीं करूंगा, मान लो आप चीटा बन के कहां बैठ जाओ, पुली पे, कहां बैठ जाओ, पुली पे। अच्छा आप पुली पे बैठ जाओ तो सोचो ए की रफ्तार और बी की रफ्तार, स्पीड अपोजिट है, मतलब ए की रफ्तार और बी की रफ्तार फॉर चीटा क्या अपोजिट होनी चाहिए? मतलब वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू माइनस साइज वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, यही तो लिखा हमने, इसलिए लिखा वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ पुली, तो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली। अब हमारे पास कई सवाल आ सकते हैं ऐसे कई तरीके के, देखो गड़बड़ तो नहीं कर रहे अपन? हाँ भाई सब सही चल रहा है। देखो मान लो कि आपकी पुली जो ऐसे जा रही हूँ 4 मीटर पर सेकेंड से, आपका जो ये वाला सेगमेंट है ये ए और ये बी, मान लो ये रफ्तार है 2 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ बी की रफ्तार कितनी होगी? 6 मीटर पर सेकेंड, तो बताओ बी की रफ्तार कितनी होगी? देखो सिंपल कैसे करें, वेलोसिटी ऑफ ए 6 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई 2 इक्वल्स टू 4, तो 2 4 जा 8, तो वेलोसिटी ऑफ बी कितनी आई, 8 माइनस 6 2, यानी कि ये 2 से ऊपर जा रही होगी, कितने से जा रही होगी, 2 से, बस खत्म। ऐसे करना होता है आपको हमेशा, है ना, इतना सा। मान लो मैं आपको और सवाल दूं कि भाई आप ऐसा वाला करो, देखो इसमें क्या है, एक एंड फिक्स कर दो, इसको ए को इसको ले जाओ 4 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, तो बताओ ए की रफ्तार। अब सोचिए अर्थ से कनेक्टेड है तो अर्थ बी पार्टिकल बन गई, बी की रफ्तार कितनी हुई, 0, तो ए की रफ्तार कितनी होगी, देखो वेलोसिटी ऑफ ए प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू 4, यानी कि वेलोसिटी ऑफ ए कितनी हुई, 8। लॉजिकली भी समझो, सोचो ये चलेगा x, ये चलेगा x, तो पुली इधर से भी x लाएगी और इधर से भी, तो यहां से कितनी उठनी पड़ेगी, 2x, 8 आ गई,
ऐसे कई प्रकार के सवाल अपन इस फॉर्मूले से ही कर सकते हैं डायरेक्ट, बिना किसी दिक्कत के, है ना। जैसे और देख एक सवाल, देखो कैसे, मान लो मैं आपको एक सवाल बना दूं, देखो मान लो ऐसा कोई सिस्टम है, ठीक, बोला गया ए बी और सी, मान लो आपको बोला जाए कि ए की रफ्तार, किसकी रफ्तार, ए की रफ्तार मान लो 4 मीटर पर सेकंड है, कितनी है 4 मीटर पर सेकंड, और बी की रफ्तार ऊपर है 3 मीटर पर सेकंड, तो बताओ सी की रफ्तार। अब देखो अगर ए की रफ्तार 4 है, क्या स्कूली की निकाल सकते हो फॉर्मूला लगा के? हाँ, कैसे, पहले तुम लोग 1 मिनट स्क्रीन को रोक लो, 2 मिनट सवाल खुद ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना, है ना। अब देखो 4 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, देखो ये 4, तो पुली की रफ्तार कितनी, वेलोसिटी ऑफ ए 4 प्लस 0 बाई 2 इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ पुली, यानी कि पुली की रफ्तार आई 2 नीचे के ऊपर, क्योंकि मैंने नीचे पॉजिटिव माना इसलिए 2 नीचे, पुली नीचे आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ओके, ये 2 से नीचे आ रही है तो ये पुली 2 से ऊपर जा रही है, क्या आप इस पुली में फॉर्मूला लगा सकते हो, ऊपर पॉजिटिव मान लो तो 2 इक्वल्स टू 3 प्लस वेलोसिटी ऑफ c बाई 2, 2 2 जा 4 4 माइनस 3 vc की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड। देख लो कैलकुलेशन पर गड़बड़ नहीं करी भाई, कंसेप्चुअली सब कुछ सही है, पक्का। अब सोचो मैं ऐसे पुली के बहुत सारे सवाल बना सकता हूँ क्या, कोई खास बात नहीं है उसमें, क्या है, नॉर्मल फिनोमेना है, सवाल करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, बहुत बढ़िया। अब ये तो पुली के सवालों की बात हुई, किसकी बात हुई, पुली के सवालों की, बट पुली को सीखते हैं। अब आप एक बात समझ लो अच्छे से, मैं से बहुत सारे इलस्ट्रेशन ले सकता हूँ, आपको शीट वगैरह सब जगह बहुत सारे ऐसे इलस्ट्रेशन मिलेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, आपको मिलते जाएंगे, है ना। अच्छा और क्या करें भाई, देखो भाई इस पुली पे थोड़ा सा और ध्यान दें, हमने जो फॉर्मूला लिखा उस पर थोड़ा और कंसंट्रेट करें और हम नए कॉन्सेप्ट को सीखें। मान लो ये ए ये बी, मैंने बोला रियलिटी में कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इक्वल्स टू माइनस टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू पुली, दैट इज व्हाट वी हैव रिटन। हमने करा क्या, ये x1 और ये x2, ये x1 और ये x2, यही करा हमने। अब इसका x1 लिखा, इसका x2 लिखा। अच्छा अब अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हमें एक चीज क्लैरिटी से समझ में आएगी, क्या देखें इधर कि ये पॉइंट और ये पॉइंट x1 को कंस्टिट्यूट करता था और ये पॉइंट और ये पॉइंट x2 को कंस्टिट्यूट करता था, तो इस पॉइंट की रफ्तार और इस पॉइंट की रफ्तार इज रिस्पॉन्सिबल फॉर dx1 by dt, है कि नहीं, और इस पॉइंट की रफ्तार और इस पॉइंट की रफ्तार कंस्टिट्यूट फॉर dx2 by dt, करा तो हमने बेसिकली यही था dx1 by dt plus dx2 by dt = 0, यही करा था। ये रफ्तार है लेंथ की जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में चेंज करती है। अगर आप बहुत अच्छे समझो तो आपको कुछ बात समझ में आएगी। देखो ये वेलोसिटी ऑफ पुली ए, मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बी, और ये मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ पुली। अब समझे जो मैं आपको कह रहा हूं, हमेशा लेंथ को देखो कि लेंथ का कुल मिला के नेट समेशन रफ्तार का 0 होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसकी लेंथ चेंज, हर पॉइंट को देखो जो टच हो रहा है, चाहे वो पुली पे टच हो रहा हो चाहे वो ब्लॉक पे टच हो रहा हो, इसे बोलता हूं मैं पॉइंट मेथड। कौन सा मेथड, आपको कई बार टेंशन वगैरह के वर्डन के भी दिखेंगे, वो लगभग सेम होते हैं, ये छोटा रहता है इसलिए इसे आप लोग सीखें, इसे मैं कहता हूं पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं, पॉइंट मेथड। इसे समझे कि स्ट्रिंग के हर उस पॉइंट पे ध्यान दे जो टच हो रहा है, यहां 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 सब जगह ध्यान दे। अच्छा सोचो ये पॉइंट इस x1 को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, सोचो घटा रहा है, ऐसे जा रहे ना धीरे से, अगर घटा है तो लिखो माइनस वी ए, अगर घटा है तो लिखो माइनस वी ए। सोचो ये पॉइंट क्या पुली से अटैच्ड है, क्या ये पॉइंट वीपी से ऊपर जा रहा है, इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बढ़ा रहा है तो लिखो प्लस वीपी। फिर इस पॉइंट पे आ जाओ, ये पॉइंट x2 को
ऊपर ले जा रहा है तो x2 को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है, इसका मतलब प्लस वी बी। ये पॉइंट ऊपर जा रहा है वी बी से, कितने से? वी बी से। क्या इस लेंथ को घटा रहा है कि बढ़ा रहा है? घटा रहा है, यानी कि माइनस वी बी। कुल मिला के सारे पॉइंट कवर हो गए, यस इक्वल टू जीरो। क्या आया भाई? वी ए प्लस वी बी बाई टू इक्वल टू वी पी। ये फॉर्मूला तो सर हमने पहले भी निकाल लिया था, बिल्कुल निकाल लिया था, पर हमने एक नया मेथड इजाद करा, इसे हम कहते हैं पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं? पॉइंट मेथड। इस पॉइंट मेथड पे आपको ध्यान देना है कि आप हमेशा सारे पॉइंट्स मार्क करें, चाहे वो पुली पे हो चाहे वो ब्लॉक पे हो, और ध्यान दें कि वो वाला पॉइंट उसकी अटैच्ड लेंथ को बढ़ा रहा है या घटा रहा है। अगर घटा रहा है तो माइनस, और बढ़ा रहा है तो प्लस। क्लियर एकदम? तो आपसे सवाल हमेशा हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के, अटकेगा ही नहीं। जैसे मैं आपको एक सवाल बताता हूं, देख अच्छा सवाल, बढ़िया सवाल, पॉइंट मेथड से करने लायक सवाल और बढ़िया तरीका। देखो ये एक ब्लॉक एक पुली से अटैच्ड है, यहां ऐसे जाके यहां फिर से ऐसे अटैच्ड है, ठीक। ये वाला ब्लॉक ऐसे अटैच्ड है, ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, ये सी ब्लॉक, ये ऐसे अटैच्ड है। बोला जा रहा है कि ए जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, बोला जा रहा है बी जा रहा है नीचे 6 मीटर पर सेकेंड से, आपको बोला गया वेलोसिटी ऑफ सी बताएं। अच्छा, अब हमें बात समझ में आई कि सर ये वाली स्ट्रिंग की लेंथ कभी भी चेंज नहीं हो सकती, तो क्यों ना इसमें पॉइंट मार्क कर दें। इसमें क्या मार्क कर दें? पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलो क्लियर? 8 पॉइंट दिखे? हाँ सर दिखे बिल्कुल। मैंने क्या बोला था? जहां जहां पुली अटैच हो जो भी हो उसको मार्क कर लो, ठीक। अब इस पॉइंट से चालू हो और तब तक चलते रहो जब तक स्ट्रिंग खत्म ना हो और सबका समेशन जीरो कर दो। ये पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा है बढ़ा रहा है? घटा रहा है, माइनस टू। ये तो चल ही नहीं रहा, जीरो जीरो। ये पॉइंट नीचे जा रहा है 6 से, तो इस लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है बताओ? बढ़ा रहा है, प्लस 6। ये पॉइंट इस लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? देखो नीचे जा रहा है 6 से, बढ़ा रहा है, जीरो जीरो। ये वाला पॉइंट कुछ भी मान लो जो आपकी इच्छा हो, अपन ऐसे नीचे मान लेते हैं बी सी। अगर हमने गलत माना होगा तो क्या वो अपने आप माइनस आ जाएगा? दिक्कत की कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लस वी सी इक्वल्स टू जीरो। तो वी सी की वैल्यू कितनी आई भाई? वी सी की वैल्यू 6 6 12 12 और माइनस 2, 12 में से माइनस 2 गया तो 10, यानी कि वी सी की वैल्यू आई -10। माइनस सिग्निफाइज वॉट? कि ये सी वाला ब्लॉक 10 से ऊपर जा रहा है। 10 से कहाँ जा रहा है? ऊपर। कंस्ट्रेंट, क्या चीज? कंस्ट्रेंट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, वाह वाह। आओ और देखते हैं और बात। एक और सवाल कराऊंगा ऐसा, देखो और देखो। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी, देखो आओ मिलके करते हैं। देखो ऐसा सवाल बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, बहुत टाइम खराब करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे हम भी करा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, बेसिक आपको ढंग से आना चाहिए। देखो जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक, ये दो ब्लॉक अटैच्ड हैं, मान लो कि ये चल रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, आपसे बोला जाए कि बी की रफ्तार बताओ, आप अपनी अपनी स्क्रीन को 2 मिनट के लिए पॉज कर दें और फिर सॉल्यूशन देखिए, है ना? देखिए हाँ भाई, तो 10 मीटर पर सेकेंड ए और बी, ए और बी, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब 10 मीटर पर सेकेंड ए और बी, ये निकालना है अपने को वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक भाई। क्या करें? वही कंस्ट्रेंट, अपन पॉइंट मार्क करें जैसे मैंने आपको सिखाया। देखो ये 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 ये, क्लियर एकदम पक्का? चलो भाई अच्छा, अब कैसे करें? ये पॉइंट कितने से चल रहा है? 10 से। इस लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है? बढ़ा रहा है, प्लस। ये पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा है? माइनस वी बी। ये पॉइंट इस लेंथ को घटा रहा है? माइनस वी बी। ये पॉइंट इस लेंथ को बढ़ा रहा है? प्लस 10।
ये पॉइंट इस लेंथ को बढ़ा रहा है प्लस 10, ये पॉइंट रेस्ट पे प्लस 0 बराबर, यानी कि कितना आया 30 इक्वल्स टू 2 VB, यानी कि VB की वैल्यू आई 15। कितनी आई 15, कितनी आई 15, बहुत बढ़िया। चल और सवाल करते हैं, और भी ऐसे बनाए जा सकते हैं, मैं आपको और अच्छा बनाता हूँ। देखो ध्यान से, मैं आपको 3-4 मिनट दूंगा इस सवाल के लिए, ढंग से करना आप लोग। देखो मान लो मैं आपको बोलूँ कि ऐसा सवाल है, देखिए मान लीजिए बी और ये ए, ठीक, मान लीजिए ए आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, आपसे पूछा जाए बी की रफ्तार बताइए, आपसे बोला जाए बी की रफ्तार बताइए, ठीक है चालू जाते हैं अपन। सब लोग चलो स्क्रीन रोक दो और 2-3 मिनट का ब्रेक लो, मतलब ट्राई करो 2-3 मिनट तक सवाल को, फिर सॉल्यूशन देखना। देखो सॉल्यूशन, देखो ए और बी 4 मीटर पर सेकंड, वही कंस्ट्रेंट, ये इस वाले सवाल में मैं 0-0 को नहीं लिखूंगा क्योंकि वो हमें समझ में आता है। मान लेते हैं कि रफ्तार वी भी ऊपर है, मान लेते हैं कि वी भी रफ्तार ऊपर है, चलो ये पॉइंट बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है 4-0-0, ये पॉइंट ऊपर जा रहा है घटा रहा है -VB -VB 0-0 -VB -VB 0 = 0, यानी कि 4VB = 4, यानी कि VB = 1, VB = 1। लो देखो पॉइंट मेथड में कितने सॉल्यूशन ले लिए मैंने, 4, कितने ले लिए 4। अब बहुत सारे बना सकते हैं, मतलब कोई खास बात नहीं है, टाइम पास करना हो तो बहुत सारा कर सकते हो, मतलब आप चाहो तो 10-20-50 करते रहो एक दो लेक्चर, वो आप प्रैक्टिस करें शीट से तो आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा पॉइंट मेथड ऐसे कराया जाता है। तो ये पॉइंट मेथड तो मैंने पुली से चलाए, फिर पुली से आपको कुछ ऐसे ऐसे सवाल कराए, थोड़ा सा इसमें इंक्लाइंड प्लेन वाला बता देता हूँ। कौन सा इंक्लाइंड प्लेन वाला, देखो आप ध्यान से, मान लो मैं आपको एक सवाल दूँ इस प्रकार का, देखिए ये ऐसे पुली ऐसे ब्लॉक हियर, देखो यहां समझे इसे, देखो मान लो कि बोला जाए ये ए और ये बी, मैं बोलूँ ए की रफ्तार इधर है 10 मीटर पर सेकंड, और मैं आपसे बोलूँ कि भाई ये 37 डिग्री है, बी की रफ्तार बताओ, ठीक। अब बी की रफ्तार बताओ, रियलिटी में इस प्रश्न में दो बातें हैं कि बी की रफ्तार किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या वेज के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में या वेज के रेस्पेक्ट में। अच्छा भाई बहुत बढ़िया, वेज के रेस्पेक्ट में कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है ठीक है ठीक है। क्योंकि ध्यान से देखो तो अगर मैं चीटा बन के ए पर बैठ जाऊं, चीटा बनकर ए पर बैठ जाऊं तो बी ऐसे आ रहा है, पर अगर मैं ग्राउंड से देखूं तो बी ऐसे भी आ रहा है और ए के साथ ऐसे भी आ रहा है, मतलब वो रियलिटी में ऐसे जा रहा है जिसके बारे में मुझे ज्ञान नहीं है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि वी बी इज द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू वेज, वी मान लेते हैं अपन, ठीक, वी विद रिस्पेक्ट टू वेज, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इक्वल्स टू वी, एंड दैट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, यानी कि ध्यान से देखो तो v वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ a वेक्टर इक्वल्स टू vb वेक्टर, यानी कि v वेक्टर अगर ऐसे है और 10 मीटर पर सेकंड इधर है तो इन दोनों का रिजल्टेंट असली वेलोसिटी vb की है। क्लियर है एकदम? अब चलो मैं आपको दो तरीके से इस सवाल को बताता हूँ और आप दोनों उसको समझने की कोशिश करें। देखो देखिए आई, अगर आप बहुत अच्छे से देखो तो इस v के दो कंपोनेंट है, एक 10 और एक ये v। अब लॉजिक इस बात का है कि भाई हमें कंस्ट्रेंट लगानी है स्ट्रिंग पर, वो जो पॉइंट मेथड अपन ने सीखा था तो स्ट्रिंग पे था, अब क्या करूं, देखते हैं बेसिक से चलते हैं। क्या सिखाया मैंने कि भाई पॉइंट कंस्ट्रेंट पे जाओ, ये 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 ये, चलो ये पॉइंट 0, यस ये पॉइंट क्या 10 से इधर आ रहा है क्या, इसको घटा रहा है -10, बिल्कुल सही। ये पॉइंट ध्यान से देखो तो 10 से ऐसे जा रहा है, तो इस लेंथ को 10 से डायरेक्ट घटा रहा है बढ़ा रहा है या कुछ कंपोनेंट लेना पड़ेगा, ध्यान से देखो ये 37
थीटा ले लेता हूं अभी समझने के लिए, तो 10 cos थीटा, 10 cos 37 इस लेंथ को बढ़ा रहा है घटा रहा है, सोचो बढ़ा रहा है घटा रहा है, बढ़ा रहा है तो प्लस 10 cos 37। अच्छा वापस यहां आ जाओ, इस पॉइंट पे अगर तुम ध्यान दो तो इसकी दो रफ्तार है, 10 इधर और v ऐसे, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो नेट तो ये हुई ना, इन दोनों का रिजल्टेंट सोच, ये 10 cos थीटा इस लेंथ को घटा रहा है तो माइनस 10 cos थीटा, और ये v इसको बढ़ा रहा है तो प्लस v इक्वल टू जीरो, v के लिए 10। ये v किसके रिस्पेक्ट में है, a के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, a के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये 10 रियल रफ्तार क्या है, ये 10, ये 10 और ये एंगल 37 था अपना, बिल्कुल सही, तो ये एंगल कितना हो गया 53, तो 90 प्लस 53 यानी कि 143 डिग्री, वो तो क्या सॉल्व कर लेंगे वो अलग बात, ऐसे इसी सवाल को मैं बहुत आसानी से भी कर सकता था अगर मैं दूसरा मेथड लेता। मैं क्या करूं, मैं आपको बोलूं कि आप है ना ऐसा करो, देखो ये बात तो समझनी पड़ेगी अपने को कि स्ट्रिंग की लेंथ कांस्टेंट है, चाहे ग्राउंड फ्रेम में लो चाहे चीटे के फ्रेम में लो, चीटा मतलब किसी भी फ्रेम में, लेंथ तो कभी भी चेंज होने वाली नहीं है, तो क्यों ना आप वेज पे बन जाओ चीटा बन के बैठ जाओ। अब चीटे के लिए सोचो, ये रफ्तार अगर 10 थी तो चीटे के लिए सोचे, हम चीटे के लिए, फॉर चीटा, कहां बैठा है चीटा, वेज पे, कौन चल रहा है, वेज की दीवार, कौन चल रहा है वेज की दीवार, दीवार कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, और चीटे के लिए रफ्तार मान लो वी, अरे वी विद रिस्पेक्ट टू वेज ही तो मानी थी तो चीटे को तो वी दिखाई देगी पक्का। आप सोच चीटे के लिए कंस्ट्रेंट लगा, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये पॉइंट 10 से घटा रहा है माइनस 10, चीटे के लिए जीरो, ये भी जीरो और ये वी से बढ़ा रहा है प्लस वी इक्व टू जीरो, वी इक्व टू 10। आंसर अभी भी वही आया, पर क्या ये आसान था, पर ये आसान था, बोलो क्लियर है क्या, थोड़ी थोड़ी बात समझ आई क्या, देखो और देखो, मान लो मैं आपको बोलूं इसी सवाल को थोड़ा ऐसे करो, लो ये ए ब्लॉक, ये बी ब्लॉक, देखो मैं बोलूं ए इधर आ रहा है वी रफ्तार से, बताओ इसकी, या 10 मान लो जो आपकी इच्छा हो मान लो, ये एंगल थीटा बीटा लेते हैं, इसकी रफ्तार मान लेते 10, आपसे पूछा जाए बी की क्या रफ्तार होगी, मैं बी की रफ्तार मान लेता हूँ वी विद रिस्पेक्ट टू वेज, क्या अब अपन चीटा वाला तरीका अपनाएं, बिल्कुल चलो भाई मैं तो चीटा वाला ही अपनाऊंगा सर, देखो चीटे पे अगर बैठ जाऊं चीटा तो कौन चलेगा, दीवार की वेज, दीवार देखो ठीक, ए ये बी ये भी, चीटे के लिए दीवार चल रही है 10 से और चीटे के लिए चल रही है 20 से, और पुली चलेगी नहीं यहां से चालू हो, ये तो जीरो, ये पॉइंट क्या 10 से इधर आ रही है दीवार तो माइनस 10, ये इधर जा रही है पर लेंथ इधर है तो कोई मतलब नहीं है, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये फिर से क्या माइनस 10, बिल्कुल ये जीरो, ये जीरो और वो प्लस वी, वी की वैल्यू 20। ये टफ सवाल हो गया, अगर आप इसे ग्राउंड फ्रेम में करते तो क्या सवाल और टफ हो जाता, हमने इसे चीटा फ्रेम में कर लिया, कौन से फ्रेम में कर लिया, चीटा। चलो उतार लो अच्छे से, स्क्रीन पॉज करके उतार लो, चलो अब अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो सोचें कि ये अपनी थी पॉइंट मेथड, कौन सा था पॉइंट मेथड। एक और तीसरी वैरायटी इनमें आती है, इसे हम बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट, क्या बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट, देखो भाई वेज कंस्ट्रेंट क्या होती है, इधर देखो वेज कंस्ट्रेंट,
वेज कंस्ट्रेंट आपको बात समझ में आ जाएगी अगर आप बहुत बेसिक से इसको एनालिसिस करेंगे तो. कैसे मैं आपको सब बताता हूँ कि एक सवाल के थ्रू करते हैं. रोडो का अच्छा सवाल है, वहीं से अपन समझते हैं, वो क्लैरिटी आ जाएगी. मान लो कि एक वेज है, ठीक, इसमें एक ऐसे फिक्स्ड रॉड रखी हुई है ऐसे, ये देखो ये कैसे वेज है, ये एंगल थीटा है. सोचो इसमें एक रॉड रखी हुई है ऐसे, ठीक, ये है बी. अब हो क्या रहा है कि ये वेज नीचे गिर रही है. जब ये वेज नीचे आएगी मान लो वी वन से और ये इधर जाएगी वी टू से, लॉजिकल है. तो इस वी वन वी टू में रिलेशन पूछा जाता है, इस वी वन वी टू में रिलेशन पूछा जाता है. हमें एक बात बिल्कुल लॉजिकली समझ में आती है कि मैं अगर इस सेगमेंट को देखूं, इसको जूम करके जहां दोनों टच हो रहे हैं, तो देखो ये पॉइंट है जो बी पर है, ये कितने से नीचे आ रहा है, वी वन से. अच्छा, और ये पॉइंट है जो है ए पर, जो इधर जा रहा है वी टू से. पर एक बात सत्य है कि चूंकि ये दोनों सॉलिड मटेरियल के बने हुए हैं वेज और ये, तो ये बात हमें समझ आती है कि रियलिटी में इनकी वेलोसिटी इस लाइन के अलोंग, यानी कि परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, सेम होनी चाहिए. वरना ये वाला पॉइंट इसमें घुस जाएगा या ये इसमें घुस जाएगा, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. अच्छा, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. बात तो सही है, क्योंकि अगर इस पॉइंट की रफ्तार इधर और इस पॉइंट की रफ्तार इधर, इस पॉइंट की रफ्तार ज्यादा हो गई तो ये तो इसमें अंदर घुस जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है. इसका मतलब क्या करा जाए, देखो सोचो, ये थीटा, यहां से लिखना चालू करते, देखो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा. बोलो सही है क्या. देखो वी वन का इधर कंपोनेंट कितना, वी वन कॉस थीटा इक्वल्स टू वी टू साइन थीटा. ये दोनों अलोंग दिस बराबर होने चाहिए. कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड बी पैरेलल में रफ्तार हो सकती है, बट परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस कैसी होनी चाहिए, बराबर. कैसी होनी चाहिए, बराबर, तभी आप ऐसा कर पाओगे, वरना कर पाना पॉसिबल नहीं है. क्लियर, पक्का. चलो 2 मिनट उतारो इसको, स्क्रीन पॉज करो, 2 मिनट उतार लो. ठीक, चलो उतार लिया. अब देखो अनदर एग्जांपल, इसी का सेकंड वर्जन देखो कैसे. देखो एक वेज ऐसे, समझ में आया कैसे, एक ए ऐसे एक बी ऐसे, ठीक, ये नीचे आएगा, ये कहाँ आएगा, ऐसे समझ लो, ऐसे ये ऐसे आ रहा है नीचे, ठीक. ये वाली वेज नीचे आएगी तो किधर जाएगा, इधर. मान लो कि इसकी नीचे आने की रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और इसकी रफ्तार है निकालनी है वी. ये एंगल आपको दिया हुआ है 37 डिग्री. चलो बताओ वी कितना है, स्क्रीन पॉज कर लो 2-3 मिनट के लिए और ट्राई करो, कॉन्सेप्ट वही लगाना है, पॉज कर लो. चलो सॉल्यूशन सुने, इस पॉइंट की रफ्तार 10 इधर और इस पॉइंट की रफ्तार v इधर, पर अलोंग दिस क्या सेम होनी चाहिए, ये 37, ये 53, ये भी 37, ये 53, 10 cos 37, 10 into 4/5 इक्वल टू वी इंटू 3/5, 5 ने 5 को मार दिया, वी की वैल्यू आई 40/3. क्या वेज कंस्ट्रेंट आप लोगों को समझ आया है, पक्का. तो कंस्ट्रेंट मोशन को हमने तीन भाग में तोड़ा, क्या तोड़ा, देखो इधर ध्यान से,
कंस्ट्रेंट मोशन को हमने तोड़ा कि भैया आप जो है, तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट जो मैंने बिल्कुल बेसिक सिखा है कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। फिर मैंने आपको पुली के बारे में बताया, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाई टू। फिर उसी से मैंने आपको पॉइंट मेथड समझा बताया कि सारे पॉइंट मार्क कर लो, घटे तो माइनस, बढ़े तो प्लस। फिर लास्ट में मैंने आपको बताया वेज कंस्ट्रेंट, क्या बताया वेज कंस्ट्रेंट। बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया है। अब आपको अच्छे से अपनी शीट की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर है एकदम? चलो।